तो जब परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए प्रेयर हुई थी, तो जब इनके पांव से पट्टी को खोला गया, तो इनका पांव जो था बहुत ज्यादा रेशे से पानी से भरा हुआ था, और इतनी बैड इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि बहुत ही ज्यादा थी। खुदा, मैं घोषणा करता हूँ हीलिंग की खुदा, तो अपने बच्चे को इस गंदगी से, आत्मा से, इस गंदगी से खुदावन क्लोज करी देना, इस गंदगी के आत्मा से तो फ्री कर चुका है, द नेम ऑफ जीसस पूरी तरह से फ्री कर चुका। हालेलुया, इस ब्रदर जी का नाम साहब सिंह है और जे अटारी रोड तोते गांव के रहने वाले हैं। इस ब्रदर जी की गवाही जे जे बता रहे हैं कि जे 2009 से ड्रिंक का नशा करना इन्होंने शुरू कर दिया। पहले जे कम करते थे, थोड़ा थोड़ा करते थे, फिर जे बता रहे हैं कि वो नशा इनका बढ़ गया, और जे बता रहे हैं कि 2009 से लेकर 2023 हो गए, जे 14 साल हो गए इनको नशा करते, और जे बता रहे इतना ज़्यादा जे ड्रिंक का नशा करते थे बहुत ही ज़्यादा। जब अपने काम पर जाते, इनका लेबर का काम है, जे बता रहे हैं कि जब स्टार्ट इन्होंने किया था ड्रिंक करना, उस समय जो बता रहे हैं कि काम से घर आकर करते थे, पर बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण जो बता रहे काम कर जाने से पहले भी जो ड्रिंक कर लेते थे और फिर काम करते थे, इतना ज़्यादा नशा करते थे। और जो बता रहे हैं कि नशे के कारण जो बता रहे हैं कि घर में छोटी छोटी बात पर कलेश भी हो जाता था, और इनके घर में वो शांति नहीं थी अभी, और जिसके कारण जो बहन भी काफ़ी परेशान थी, और जो ब्रदर जी भी नशा इन्होंने छोड़ने की कोशिश की पर जो छोड़ नहीं पा रहे थे। और जैसे जो बता रहे कि आज से 2 महीने हो गए थे कि जब ब्रदर जी अपना लेबर का काम कर रहे थे, और काम करने के दौरान इनके राइट साइड पांव में लोहे के टीन लग गई काफ़ी ज़ोर से, और एक छोटा सा जख्म बना था। और जब बता रहे हैं कि काम करते समय भी इन्होंने ड्रिंक की थी, और जैसे जे घर आए, जब ड्रिंक का नशा उतर गया, फिर इनको हल्की सी पाँव में दर्द हुई, पर फिर से इन्होंने नशा कर लिया, और उस दिनों में जो थोड़ी मेडिसिन भी खा रहे थे पर उसका भी इन्हें कोई असर नहीं कर रहा था, क्योंकि मेडिसिन भी खा रहे थे, ड्रिंक भी कर रहे थे। तो जो बता रहे कि जब इनको दर्द होती तो फिर जो ड्रिंक करना शुरू कर देते, और जिसके कारण धीरे धीरे जो इनके पाँव में वो जख्म काफ़ी बढ़ गया। और जो बता रहे क्योंकि इनके मिसेज कुछ मीटिंग को इनके मिसेज ने अटेंड किया था, तो जैसे उन दिनों में ही टीम ने इनके गांव में विजिट की थी, तो इनके गांव से जो सिस्टर संगति में आती थी उन्होंने इनको गुड न्यूज़ दी थी। तो जैसे टीम विजिट करने के लिए गए तो इस ब्रदर जी को भी वहां पर बुलाया गया, तो इनको और भी परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया गया कि परमेश्वर एक ही है जिसके द्वारा हमारा जीवन बचाया जा सकता है। तो जैसे जो बता रहे इनके लिए फिर प्रेयर भी की, और जो बता रहे कि इन्होंने वचन तो सुना, प्रेयर भी अपने लिए करवाई, पर फिर से जो बता रहे कि शाम को ही इन्होंने ड्रिंक करना, फिर से ड्रिंक करने के लिए जो चले गए, जो बता रहे जैसे जो ड्रिंक कर रहे थे, और अगले दिन सैटरडे का दिन था, उस दिन भी इन्होंने ड्रिंक की थी। तो जो बता रहे कि ड्रिंक की हालत में इनको कोई पता नहीं था कि इनके पैर का घाव भी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उस समय इनकी बॉडी पर रेड कलर के छोटे छोटे पिलकरे पूरी बॉडी पर थे, सिर से लेकर पाँव तक पूरी बॉडी पर बॉडी ही पिलकरों से भर गई थी। तो इनकी फैमिली ने इनको बोला कि आपको इनको चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम हो गई है, और आपके पाँव में भी इतनी स्वेलिंग, इतना रेशा है, तो आप किसी के पास जाएँ, इसका इलाज कराएँ। पर जो बता रहे कि इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, जो इनके पाँव में कख लग गया है या फिर टीन लगने के कारण प्रॉब्लम है, तो जी बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि जी मेडिसिन खा रहे थे पर उसका असर कुछ भी नहीं हो रहा था, और नशा तो इनसे छूट नहीं पा रहा था। जे और भी करते थे क्योंकि इनका मन था कि अगर दर्द होती तो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करने के बस समय इनको पता नहीं चलता था कि दर्द है या नहीं, पर बॉडी में इतने ज़्यादा पिलकरे थे। फिर इनकी जो मिसेज जैसे विश्वास करते थे पर वो भी काम पर जाते थे, क्योंकि जो ब्रदर जी 2 महीने हो गए पाँव के कारण घर पर ही थे, काम नहीं कर सकते थे, चल नहीं पा रहे थे। फिर इनको याद आया
बताया कि इन्होंने जैसे फ्राइडे को इन्होंने टीम से वचन को सुना था, तो जैसे जो बहन इनको गुड न्यूज दी तो वो बहन इनको संडे की मीटिंग में लेकर आए। 12 नवंबर की फर्स्ट मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, तो जैसे इन्होंने उस मीटिंग को अटेंड किया तो उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए ले एंड हुई थी। हम उस समय की वीडियो को स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो को। जय मसीह की। मैं पहली बार आ गया ते मेरा सारा शरीर गल चुका है। क्या हुआ? सारा पिलकले पिलकले सारा शरीर ते गल चुका है। शरीर पूरे पिलकरे। हां जी, गल चुका है। मुझको संभाले तू, साथ शराए तू। चल शैतान, इसकी बॉडी से, इसके शरीर से, इसके अंगों से, इसकी बॉडी से, इसके जिस्म से, जो तूने ये बीमारी से थी ये शैतान, चल उखड़ इसके शरीर से, उखड़ इसकी बॉडी से, शट शट निकल गंदी आत्मा, बीमारी का आत्मा, शट शट इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। और जो बता रही कि जैसे इनके लिए फर्स्ट मीटिंग में परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड हो गई, और जो बता रहे कि इन्होंने विश्वास किया कि अभी परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर चुके, और जो बता रहे जब इन्होंने सेकंड, जो बता रहे कि जब इनके लिए ले हैंड हो गई थी तो उसके बाद इन्होंने इनका बिल्कुल भी ड्रिंक करने को मन नहीं किया। परमेश्वर जो बता रहे कि जो कि 14 साल से जो उस ड्रिंक के नशे को छोड़ नहीं पा रहे थे, जैसे उस नेगेटिविटी के प्रभाव को परमेश्वर के दास के द्वारा डांटा गया, क्योंकि उस दिन तो पता भी नहीं था कि जो ड्रिंक का नशा करते, पर जैसे परमेश्वर का आत्मा सबको जानता था तो इनके लिए जब प्रार्थना हुई तो जो बता रहे कि उस दिन से इनका ड्रिंक करने को मन नहीं किया, इन्होंने ड्रिंक करना छोड़ दिया। फिर इनको और भी टीच किया जाना था, क्योंकि अभी से बिल्कुल नए थे। फिर इनको फिर मीटिंग में बुलाया गया। जब इन्होंने फिर सेकंड मीटिंग वेडनेसडे की अटेंड की, और भी इनको फिर परमेश्वर के दास ने उत्साहित किया परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में, पॉजिटिव प्रेयर के बारे में, बहुत कुछ जो परमेश्वर में बढ़ने के लिए जो परमेश्वर के नियम है, इनको उत्साहित किया गया। तो उस समय भी फिर इनके लिए ले एंड हुई। हम उस समय की भी स्क्रीन पर वीडियो को देखेंगे। चल शैतान, इसकी बॉडी से, शरीर से निकल गंदी आत्मा, जो तूने इसके शरीर में जो अपनी जगह बनाई है, जो तेरा प्रभाव है शैतान, चल आज तुझे मैं खुदा का दास होने के नाते आज्ञा करता हूँ, इसकी सोच से, इसके शरीर से चल आउट हो जा, आउट आउट, निकल गंदी आत्मा पूरी तरह से, छोड़ दे, छोड़ दे। जो तूने बीमारी की आत्मा, जो तूने इसे ये रोग लाया, ये बीमारी लगाई, चलास चलास, तेरा लास्ट दिन, तेरा लास्ट दिन है शैतान, छोड़ दे इस बच्चे को, शट शट इन द नेम ऑफ जीसस, द पावर ऑफ होली गॉड, शट इन द नेम ऑफ जीसस। पूरी तरह से मैं तुझे आज्ञा करता हूं खुदा का दास होने के नाते, जो खुदा ने मुझे तेरे ऊपर शैतान अधिकार दिया, और जो तूने रोग जो बीमारी शैतान से दी, चलिए शट फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। खोलो इधर, दिखाओ थोड़ा जो फिर बना दो, खोलो, कुछ नहीं होता, हूँ ठीक होना, सारा कुछ, डरना नहीं है, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा मैं घोषणा करता हूं हीलिंग की, खुदा तो अपने बच्चे को इस गंदगी के आत्मा से, इस गंदगी से खुदावन क्लोज करी दन, इस गंदगी के आत्मा से तू फ्री कर चुका है, इन द नेम ऑफ जीसस पूरी तरह से फ्री कर चुका है, पूरी तरह से फ्री कर चुका है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
तो जब परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए प्रेयर हुई थी, तो जब इनके पांव से पट्टी को खोला गया तो इनका पांव जो था बहुत ज्यादा रेशे से पानी से भरा हुआ था और इतनी बैड इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि बहुत ही ज्यादा थी। और जैसे इनके लिए प्रेयर की गई, इनको और भी उत्साहित किया गया क्योंकि ये बिल्कुल नए थे और इनके मिसेज भी इनके काम ना करने के कारण वो काम पर जा रहे थे तो वो संगति पर नहीं आ सकते थे, तो जिसके कारण इनका विश्वास नहीं बढ़ रहा था, इनकी पत्नी का भी उतना वो प्रेयर नहीं कर सकते थे। तो फिर इनको इनको बताया गया कि आप थोड़ा डॉक्टर को दिखा ले क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, बहुत ज़्यादा वो पानी और पस रेशे से भरा था इनका पाँव। और जैसे जे बता रहे क्योंकि जे काम तो कर नहीं रहे थे, पर परमेश्वर ने अपने डिवाइन हेल्पर को इनके लिए भेज दिया, इनका एक दोस्त था। और जैसे वो इनके घर में आए तो जब इनका उन्होंने जे हाल देखा तो उन्होंने बोला कि आपका तो बहुत ही बुरा हाल है। तो जैसे फिर इनको वो किसी एक डॉक्टर के पास लेकर गए तो जे बता रहे कि जब डॉक्टर ने इनके कुछ दो टेस्ट किए, एक शुगर का तो शुगर बिल्कुल नॉर्मल थी, फिर एक इन्फेक्शन का किया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गई है जिसके कारण आपकी बॉडी पर छोटे छोटे जो पिलकरे भी हो गए हैं। तो जी बता रहे कि फिर डॉक्टर ने एक दो दिन की मेडिसिन इनको दी कि आप पहले खाओ और बताना, और जी बता रहे कि जैसे इन्होंने वो मेडिसिन खाई उसी दिन ही मेडिसिन खाने से इनको मेडिसिन का असर शुरू हो गया, जो कि पहले भी जो मेडिसिन खा रहे थे पर कोई भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि उस समय इनके जीवन में नेगेटिविटी का भी बहुत प्रभाव था। पर जैसे जो मीटिंग उन्होंने दो मीटिंग अटेंड की और इनके लिए प्रेयर हुई तो नेगेटिविटी का प्रभाव पूरी तरह कैंसिल हो गया था और उसी कारण फिर इनको मेडिसिन का भी असर शुरू हो गया। और जो बता रहे फिर इन्होंने नेक्स्ट संडे की तीसरी मीटिंग को अटेंड किया और उस मीटिंग में तो इतना ज़्यादा फर्क था इनके पाँव का, बहुत ही ज़्यादा। और जो बता रहे कि अभी आज इनकी चौथी मीटिंग है और चार हफ्ते हो गए ना तो इनको इन्होंने ड्रिंक का नशा किया है और पूरी तरह बॉडी पर जो पिलक थे वो भी साफ हो गए और जो राइट साइड पाँव में इतना जख्म था, पानी और पस रेशे इन्फेक्शन से भरा था, हम देख सकते हैं स्क्रीन पर इनके उस पाँव को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कि इनसे चला भी नहीं जाता था। और आज परमेश्वर के उस जीवन सच्चाई के द्वारा खुदावर परमेश्वर इनको उस अंधकार से, इस भयानक रोग से पूरी तरह से तीन मीटिंग को सुनने के द्वारा ही आजाद कर दिया है। सुनो, यह बहुत ही बड़ा चमत्कार है। बोले क्या है? देखो उस वीडियो में जो बनाई उसमें इतना नजर नहीं आ रहा, पूरा इनका पैर सूजा हुआ था, रेशा और पस से पानी बहता था उसमें। जब ये पट्टी जब यहाँ से जब खुलवाई इनके ऊपर, कहा कि पट्टी खोलो, खुदा इतनी गंदी स्मेल, इतनी बैड स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी उससे, क्योंकि रेशा और पस उससे बह रहा था। बोलो क्या था? इतनी ज्यादा हालत खराब थी। देखो परमेश्वर ने कितना बड़ा काम कर दिया, क्योंकि इसके लिए मेडिसिन तो ये खा रहे थे पहले भी दो महीने से, पर कोई भी असर नहीं कर रहा था। बोलो क्या है? कोई असर नहीं कर रहा, मेडिसिन की कोई भी असर नहीं हो रहा। एक तो ऊपर से 14 साल से ड्रिंक का नशा, 14 साल से, क्योंकि ये एक नेगेटिविटी की आत्मा है, शैतान की आत्मा है। जब डांटा गया उसे, बोले क्या है? जब डांटा गया वो निकल कर गई, 14 साल का नशा छूट गया, जो पूरी बॉडी इन्फेक्शन के कारण ही, इनके पाँव की इन्फेक्शन के कारण ही इनकी पूरी बॉडी पे वो पिलकरे बन गए, रेशे के पिलकरे यहां पे पूरे, बोलो क्या बन गए? पर सही वक्त पे परमेश्वर ने इस बच्चे पर अनुग्रह किया, जिसने भी गुड न्यूज इन्हें दी, सुसमाचार दिया, उन्हें भी परमेश्वर बहुत बरकत दे। बोलो क्या है? जिन्हें भी इन्हें यहीं पे कि किसने दिया इन्हें सुसमाचार? गुरमीत सिस्टर। हाँ, तो इनके लिए भी, क्योंकि जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं, बोलो क्या है, सच्चा और जीवित परमेश्वर कौन है, दुख कौन देता है? बोलो क्या? दुख कौन देता है? दुनिया तो कहती है कि दुख सुख किसकी ओर से है, जो कर्मों में लिखा वही होना है। अब इसका कर्म कैसे बदल गया फिर?
दुनिया का ज्ञान तो यही कहता है ना कि दुख सुख किसकी ओर से है, जो कर्मों में लिखा वही होना है। अब इसका कर्म किसने बदल दिया? हाँ, अगर ये बहन इसे ना बताती तो आज इसका जीवन बचता? जब डॉक्टर ने इसका पैर देखा ना, कहता पूरी इन्फेक्शन तेरी बॉडी में फैल गई है, और जब इन्फेक्शन फैल जाती है कुछ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती, मौत भी हो सकती थी। इन्फेक्शन इतनी बुरी चीज है। डॉक्टर ने कहा पूरी इन्फेक्शन तेरी बॉडी में फैल गई है। पहले तो मेडिसिन कोई असर नहीं कर रही। उसी हफ्ते में जब ये गया यहां से, बोल गए उसी हफ्ते में मेडिसिन ने काम किया, और एक ही हफ्ते में देखो वही पैर है जो पूरा फूला हुआ था, सूजा हुआ था, पूरा रेशे और पानी की पस उससे बह रही थी, चमक रही थी ना वो रेशा और पस पानी, क्योंकि चमड़ी तो पूरी उतर चुकी थी, ऊपरला मांस की चमड़ी उतर गई। थोड़ा बताओ आप क्या सोचते थे जब उस हालात में थे? मैं बहुत डरया पिया, कोई अंदर कख लग गया, डर गया, बापा सारी बॉडी खराब हो चुकी है, सारी बॉडी में ऐसा हो गया, सारे बहुत ज्यादा पिलकले पिलकले रेशा पै गया, शरीर गल चुका पूरा। फिर पूरी रात सो भी नहीं पाते होंगे? नहीं, खारिश बहुत जल्दी सौंदा नहीं, मिनट भी खारिश हो जाती, खुरक पैरां ते भी खुरकी रात बेड दे नाल मली जाना पैरां नूं, खारिश ही बहुत जल्दी होती। इतना ज्यादा बुरा हाल था, बहुत ज्यादा बंदा। आप क्या सोचते थे इनकी वाइफ को देना? आपके मन में क्या विचार आते थे कि जय मसीह की? बहुत हालत माड़ी सी जदों दे जस्सू प्रभु दे आउने आ, बहुत भी सौखी हो गई जान। आप पहले भी प्रभु में जाते के यहीं पर आए हो? नहीं, इत्थे आए पहली बारी। पहली बार ही आए हो, अब नए हो बिल्कुल। ओ, ये भी अच्छा बात है। बोल गया, ये भी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने सही समय पे सही चीज से खुदा ने इन्हें छुड़ा लिया है। बोलो क्या है? सही चीज से छुड़ा लिया। आप देखो जिस बंदे की हालत देखो कितनी खराब थी, एक तो 14 साल से, अब जब ये 14 साल से नशा कर रहे हैं तो आप क्या सोचते थे? आपके मन में क्या आता है, कैसे बंदे से मेरी शादी होगी? हाँ जी, हाँ बहुत तंग करते ही मिलो, बहुत तंग करते सी। हाँ जी। क्या कहीं जब तंग करते तो क्या मन में विचार आते थे कि छोड़ दूं इसे? हाल माड़ा सी। नहीं, कभी कभी मन ऐसे करता था इससे तो छोड़ दूं तो वो अच्छा है। हाँ जी। हाँ? हाँ जी। नहीं, खुल कर बताएं, कोई बात नहीं है, शर्माओ नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, जो भी आपके मन में आता वो बता दो, कोई बात नहीं। हाँ जी, जदों जस्सू प्रभु दे आउणी जान सौखी होई है। हाँ? जदों जस्सू प्रभु दे आउणी भी जान सौखी होई है। जब से आए हो तब से जान सौखी हो गई। हाँ? हाँ जी। पहले तो विचार आते होंगे ना, इस पे गुस्सा भी आता होगा कि नहीं है? हाँ, गुस्सा तो बथेरा चढ़ता रहा है, तो दिल करता होगा कुछ, है ना, कैसे कुछ मारूं, और ऐसे ना तो ये कोई काम धंधा करता ना मुझे पैसे देता है। नहीं, पैसे नहीं देता रहा मिनो, पैसे नहीं देते। हाँ जी। तू खुद कम करते सी? हाँ जी, और मैं जिदो दी उन्हीं दुकान ते लगी कपड़े वाली ते। परमेश्वर ने ब्लेस भी किया है। हाँ जी। वेरी गुड। 12000 रुपया तनख्वाह है। ओह वेरी गुड, परमेश्वर रास्ते खोल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। आप खुश हो? हाँ जी, खुश हूं। कितना खुश हो? हाँ, वादू खुश है। नहीं, वादू तो खुश, एक ऐसे बताते ना इतना खुश है। हाँ जी। नहीं, एक बताते इतना खुश है, एक कहते इतना है। हाँ, एक कहते इतना खुश है, एक कहते इतना, एक कहते इतना है, एक कहते। हाँ, वादू खुश दिता। नहीं, कितना खुश हो? हाँ जी, वादू। नहीं, इतना के ये नरक की जिंदगी जी रहे थे, नरक की 14 साल से नशा, ऊपर से ये हालात। अगर सही वक्त सही समय पे इन्हें गुड न्यूज ना मिलती, कोई सुसमाचार ना देता, तो शायद ये बंदा बचता ना। समझ आ रही है? प्रभु ने अनुग्रह किया, आज आपके सामने ये भला चंगा है, ये खुदा ने बड़ा काम किया है, और तारीफ भी बड़ी होनी चाहिए। एक बार इनको
जे प्रेरित जी चल नहीं पा रहे थे, हम देख सकते कि अभी जे पूरी तरह से चल रहे, क्योंकि दर्द के कारण जे पैर भी जमीन पर नहीं रख सकते थे, और आज परमेश्वर ने पूरी प्रॉब्लम से इनको हील किया। अभी ब्रदर जी आप चलकर बताइए, सबको दिखाएं कि आज परमेश्वर जो इतना बड़ा अनुग्रह कर दिया, कोई दर्द नहीं है। खड़े होकर तारीफ करो, खड़े होकर। हालेलुया बोलते हुए तीन बार हालेलुया का नारा बोल दो, माइक दो ने, खुश हो ना भी, तीन बार हालेलुया बोलो जल्दी से, हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 खुश हो क्योंकि नए हो ना, अभी प्रैक्टिस नहीं है इतनी, हाँ क्योंकि नए बंदे है ना, अभी हालेलुया की प्रैक्टिस इतनी नहीं है, पर आने वाले दिनों में इस प्रैक्टिस में बढ़ना है, खुदा के प्रेम में, उसकी हर बात में, उसकी आज्ञा में, खुदा आपको बहुत ब्लेस करेगा। ब्लेसिंग तो देख ही ली ना अपनी। पहले पहले आप क्या काम करती थी बहन, के बोल रही थी कुछ ब्लेसिंग दी मुझे खुदा ने, काम करती सा। अच्छा मतलब गाँव का ही काम करते थे, परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग भी साथ में मिल गई। तारीफ कर दो इस बात के लिए। तो ठीक है, बने रहना, अब खुदा को और समझना और उसमें बढ़ना है, ठीक है। हाँ जी, परमेश्वर ने बहुत कुछ आपके लिए रखा है, ठीक है।